दर मुस्तफा पर पहुंचो। क्यों? अल्लाह करीम ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सब खजाने दे दिए और नबी पाक फरमाते कि लोगों जहन में रखना, सब खजाने अल्लाह ने मुझे दिए हैं, उसकी चाबियां मेरे हाथ में। उती तो मफातीहा खजाइनिल अर्द, अल्लाह के खजाने जो हैं उसकी चाबियां मेरे हाथ में आ गई हैं। तो नबुव्वत जाहिरी हो तो दुनिया के खजाने हैं, और नबुव्वत का फैज बातिनी समझा जाए तो रूहानी खजाने। नबी के पास दोनों खजाने हैं, जाहिरी खजाना भी है, बातिनी खजाना भी है, दीन का खजाना भी है, दुनिया का खजाना भी है, आखिरत का खजाना भी है, तनो मन का खजाना भी है, नबुव्वत के जलवे भी हैं, विलायत के करम भी, विलायत का करीमाना फैज भी है, और आलिमाना इल्मियत का खराज भी है। नबी पाक ज़कात देते हैं इल्म की, ज़कात देते हैं नूर नबुव्वत की, ज़कात देते हैं मकामे विलायत की। वलियों किसी को ज़कात दी तो वली बन गया, किसी को ज़कात दी तो आलिम बन गया, किसी को ज़कात दी तो फकीह बन गया, किसी को ज़कात दी तो वो पैगंबर बन गया, किसी को ज़कात दी तो वो रसूल बन गया, और किसी को ज़कात दी तो वो जिब्रील बन गया, और किसी को ज़कात दी तो बादशाह बन गया, किसी को ज़कात दी तो वो बिलाल बना दिया, किसी को ज़कात दी तो सिद्दीक बना दिया, किसी को ज़कात दी तो हजरत अली बना दिया। इसलिए फरमाया कि दस्त जंदर ज़ैल साहिब दौलत है। को दौलत वाला देखो तो मशरक में देखा, मगरब में देखा, शुमाल में देखा, जनूब में देखा, अवली में देखा, आखिरी में देखा, अंबिया में देखा, मुरसलीन में देखा, मुरसलीन में देखा, मलाइका मुकर्रबीन में देखा, औलिया में देखा, फुकहा में देखा, मुफस्सिरीन में देखा, मुहक्किकीन में देखा, मुदक्किकीन में देखा, अहले हक में देखा, रात सोने वालों में देखा, जागने वालों में देखा, मराकबे वाले देखे, मुशाहिदे वाले देखे, कुर्ब वाले देखे, हुजूर वाले देखे, सरूर वाले देखे, कैफ वाले देखे, फना वाले देखे, बका वाले देखे, जलवाए रब में घूमे हुए लोग, डूबे हुए लोग, मुशाहिदा रब वाले लोग देखे, देखा कि इनको कहां से मिला, देखा कि दस्ते मुस्तफा सबको दे रहा, दस्ते मुस्तफा सब में तकसीम कर रहा। और हजरत हजरत हाफिज़ शीराज़ी बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, नबी पाक की बारगाह में हाजिर हुए तो आप जाते ही अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप पर ज़कात फ़र्ज़ है और मुझ पर लेनी फ़र्ज़ है, आप पर ज़कात देना फ़र्ज़ है और मुझ पर ज़कात लेना फ़र्ज़ है, मेरे लिए हुक्म है, अमीरों के लिए हुक्म ज़कात दो, अमीरों के लिए हुक्म ज़कात दो, ज़कात दो, और फिर आप जैसा अमीर, फिर आप जैसा अमीर, रहने दो अपना असली सौदा, रहने दे आप अपनी असली दौलत से ज़कात ही निकालो, और आपकी ज़कात ही तकसीम हो जाए तो दो आलम उस ज़कात में ही गुम हो जाता है। कितना माल है आपके पास कि अगर उसकी ज़कात निकले तो दो आलम में एक एक जर्रे को लाखों दिया जाए तो फिर भी ज़कात खत्म नहीं होती। वो कौन सी ज़कात, किस दौलत पर ज़कात है? वो नूरे नबुव्वत के जलवों पर जो ज़कात है वो अदा करें। फैजान नबुव्वत जो दौलत है वो इतनी है कि आप पर, तो आप फरमाते हैं ज़कात हम दे के मिस्कीन और फकीर, खड़े हो गए या रसूलल्लाह ज़कात दे, अगर तू नमे पसंदी तगैर कुन गुजारा, अगर मैं ज़कात लेने का अहल नहीं हूँ, मेरी किस्मत में खोट है तो मैं यहाँ से तो नहीं जाता, किस्मतें बनाने वाले भी तो आप ही हैं ना, किस्मतें बनाने वाले भी तो आप हैं, लिहाजा गुजारिश है तगैर, अगर तू नमे पसंदी तगैर कुन गुजारा, मुझे अगर आपने पसंद करते तो अपनी मर्जी की किस्मत मुझे देकर अपनी ज़कात में से माल दे दें, अपनी अपने माल में से जो ज़कात फ़र्ज़ है उसी में से मेरा माल दे दें। इन्नम सदक़ात लिल्फ़ुक़रा वल मसाकीन, मैं फकीर भी हूँ, मैं मिस्कीन भी हूँ, आप अमीर भी हैं, कासिम भी हैं, दो जहान के मालिक भी हैं, दे दे मुझे। इसलिए जनाब रूमी फरमाते हैं दस्त दस्त जंदर ज़ैल साहिब दौलत है, कहाँ इधर उधर फिरते हो, जिसके पास कौनैन की दौलत है उसी के दामन के साए में बैठ जाओ, उसने तो दुश्मन को भी खाली नहीं भेजा तो अपने मानने वाले साहिल को कैसे खाली भेजेंगे। ताज इफ्ज़ालिश बयाबी रिफ़ते, ताकि उनके करम से तुम्हें वो रिफात मिले,
تمہیں وہ رفعت وہ بلندی وہ ترقی وہ عروج وہ کمال وہ نسبت وہ قربت وہ مائیت وہ دوستی وہ شفقت وہ رب کی مائیت وہ عنایت ملے کہ جس میں کمی نہ آئے۔